क्लास 10 एलिमिनेशन मेथड का इंट्रोडक्शन है। जनरली एलिमिनेशन क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ख़त्म करना, ठीक है। एलिमिनेट करना मतलब उसे बाहर निकाल देना। तो यहाँ पे देखो एक्स और वाई है, ठीक है, दो ही वेरिएबल है हमारे पास, तो दो में से एक को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। अगर एक्स है, अगर एक्स पूरा कट हो जाता तो एक्स को पूरा कट कर देंगे, तो एक ही वेरिएबल हमारे पास बचेगा और इसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं और एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो दो वेरिएबल में से एक को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, हाँ ये वही क्वेश्चन है 3.3 का पहला क्वेश्चन है, बट हम अप्लाई कर सकते हैं किसी के ऊपर भी, ठीक है। हमारी ये तीनों मेथड ऐसी है कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे अप्लाई हो सकती है। तो पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं, लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14 हमारी इक्वेशन 1, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4 ये इक्वेशन हमारी 2। अब यहाँ पे एलिमिनेशन करना, तो मैं दोनों ही तरीके से बताऊंगा आपको एलिमिनेट करना, एक्स में भी और वाई में भी। तो देखते हैं पहले में हम कर लेते हैं एलिमिनेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, डेट मीन्स ये दोनों क्या हो सकता है, एडिंग, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर लीजिए, ऐड कर लिया जाए, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। देखो ये वाले में वाई हमारा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि एक के पास एक प्लस है, एक के पास में माइनस, हम ऐड कर रहे, तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 18, ठीक है। तो देखो 2x इक्वल्स टू 18, ठीक है, और x आ जाएगा 18 अपॉन में 2, डेट मीन्स ये क्या आ गया 9, देफोर x इक्वल्स टू 9। अब हमें पता, अगर एक वेरिएबल के हमें वैल्यू मिल जाते तो हम दूसरे कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें दूसरे की भी वैल्यू मिल जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या हमारी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, वाई x इक्वल्स टू 9 है तो 9 प्लस वाई इक्वल्स टू 14, देयरफॉर y इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई 5, हेंस हमारे पास x और y आ गया, हेंस x इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 5। इसमें हमने किसको एलिमिनेट किया था, y को एलिमिनेट किया था। अब दूसरे तरफ इसी के अंदर हम क्या करते हैं, x को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो x प्लस y इक्वल्स टू 14 था, x माइनस y इक्वल्स टू 4, तो अब एलिमिनेट किसको करना है, x को करना है। तो देखो x के पास दोनों के पास कौन सी साइन है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, क्या नहीं होगा, एलिमिनेट नहीं होगा। तो हम कैसे करेंगे, देखो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 1 और 2 है, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम लिखा हुआ इक्वेशन 2 और ये, तो हम इसे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे देखो माइनस लगाया, यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, नहीं सॉरी यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, ठीक है। तो हम इस बार किसको एलिमिनेट करें, x को, तो यहाँ पे x कैसे में है, प्लस में, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, ताकि ये एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ पे माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे माइनस, मतलब साइन जो नीचे वाले की पूरी ऑपोजिट कर देनी है, यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था तो प्लस, यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस, और इसी हिसाब से एलिमिनेट करना, तो ये कैंसिल, और वाई वाई क्या हो जाएगा, प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है, y 14 में से 4 माइनस होगा, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 10 अपॉन में 2, तो ये हो गया 5 y की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अगर हम पुट कर दें तो हमें x मिल जाएगा, x प्लस y इक्वल्स टू 14, x प्लस 5 इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। तो देखो दोनों ही केस में हमारी वैल्यूज तो सेम ही है, हेंस x इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 5,
ये हमारी वैल्यू आ गई। अब देखो ये दोनों केस हमने किया, दोनों ही केस में हमारी क्या है, वैल्यू सेम है। इसी तरीके से एलिमिनेशन मेथड हमें अप्लाई करना है, ठीक है।